हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एसे सेशन में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एसे के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या। काफी ट्रेंडिंग रहा है इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और इससे रिलेटेड जो आपका एसे आएगा वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपको फैक्ट्स कुछ डालने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या को इसमें जरूर मर्ज किया जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि फिर हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे 1000 सब्सक्राइबर के पूरा होते ही, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके साथ ही आपको आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, इसके साथ ही आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और क्वीज भी आपको मिलता है, साथ में सारे क्लास का पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। ये बेसिक जानकारी मैं हर एक वीडियो में इसलिए देता हूँ कि अगर जो फर्स्ट टाइम इस क्लास में जुड़े हैं वो इसका फायदा उठा सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपसे केवल एक टॉपिक पे नहीं पूछा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसके साथ साथ आपसे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको किस तरीके से हम लोग शब्दों में ढालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग जो हम लोग इसका करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से करेंगे इसको। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से मानव प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करके उसका विदोहन कर रहा है, सिंपल समझने वाली बात है, आपने कोयला यूज करना है खाना बनाने के लिए, आपने कोयला यूज करना है विद्युत के लिए, आपने कोयला यूज करना है और बहुत सारे कामों के लिए। ये कोयला जिस जगह से निकल करके आ रहा है ये प्राकृतिक संसाधन है अपने आप में, और होता क्या है कि हम लोग इसका विदोहन करते हैं एक लिमिट अमाउंट में। अगर इसका विदोहन करें, जैसे अगर ये 100% हमारे पास है तो इसका अगर हम लोग 25% यूज करें तो फिर ये जो 75% बचा होगा ये धीरे 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 फिर से कोयला बना करके 100% आ जाएगा। लेकिन इस 100% में से अगर 75% को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो ये 25% को फिर से कोयला बनने में बहुत समय लगेगा। तो हम लोग भी अभी एट प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि पूरी तरीके से जो भी हम लोगों का जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग पूरी तरीके से जो है उसका विदोहन करते जा रहे हैं। तो इसमें जिस तरीके से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से उसका संतुलन भी बिगड़ते जा रहा है। तो जब संतुलन इसका बिगड़ रहा है तो ये करेगा क्या, प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसका अगर संतुलन बिगड़ेगा तो इसका बैड इम्पैक्ट आपके तरफ, आपके शरीर पे, आपके आपका जो मौसम है उस पे, प्राकृतिक सारे चीजों पे पड़ना स्टार्ट होगा। अब उसी तरीके से क्या हो रहा है कि स्त्रियों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है समाज में। दो टॉपिक को कवर किए, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेट कर लिया अपने जो जो इसका स्टार्टिंग था, जिस तरीके से सिंपल एग्जांपल को मेंशन कर लिया कि प्राकृतिक चीजों का विध्वन हो रहा है उसका बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसी तरीके से स्त्रियों के ऊपर भी अन्याय, मारपीट और प्रताड़ित उनको किया जाता है, या फिर अमानवीय व्यवहार करके लिंगानुपात को घटाने का काम किया जा रहा है। होता क्या है समाज में, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो वहां पे ये जो परसेंटेज होता है ये 2% होगा, लेकिन गांव वाले और स्लम एरिया में जब आएंगे तो ये 75% आपको देखने को मिलेगा कि 75% लोग जो ऐसे होते हैं जो औरतों के साथ जो है मारपीट करते हैं। यहाँ पे 75% जो लोग होते हैं जो लोग औरतों के साथ मारपीट करते हैं, इसमें 75% में से 75% लोग जो है वो दारू पीते हैं, या फिर उनके उनके पास कोई ऐसा नशा होता है जिसके कारण वो औरतों के साथ मारपीट करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो दहेज के लिए हो, ठीक है, चाहे वो कोई और काम के लिए हो, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और इस कारण से होता क्या है कि ये अपने आप में लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है उसको कम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, तो प्राकृतिक असंतुलन बनता जा रहा है। जब अगर 100 लड़के होंगे और इसके ऊपर केवल 75 लड़कियां होंगी तो ये जो 25 लड़के होंगे, ये 25 लड़के पहले तो कुंवारे होंगे, इसके बाद इनकी शादी नहीं होगी और ये प्राकृतिक असंतुलन बनना स्टार्ट होगा इससे,
ठीक है, तो प्राकृतिक असंतुलन बनेगा। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, जिसमें केवल मारपीट, प्रताड़ित और अमानवीय व्यवहार करने के कारण इस तरीके से लिंगानुपात कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेन मैटर हो जाएगा यहाँ पर। और स्त्री पुरुष का लिंगानुपात पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा कम हुआ है। अभी आपके पास 1,000 पुरुष पे जो है वो 919 ही औरत है, ठीक है, 919 ही स्त्री है 1,000 औरत के ऊपर। तो ये बाकी का जो बचा हुआ है, ये जो लड़के होंगे, ये क्या है, ये या तो ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है, इनकी शादियां नहीं होगी, या फिर इनकी शादियां नहीं होने के साथ साथ जो है ये जो आपका एक आपके पॉपुलेशन का जो पार्ट रहेगा ना, ये वंचित हो जाएगा इस तरीके से। तो इस ये जो अभी रिसेंट में जो कमी आया है, अभी जो जो आपका लिंगानुपात में जो कमी आ रहा है, इसका मेन रीजन जो है वो भ्रूण हत्या से ही है। क्योंकि अभी आपके पास टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा है कि सोनोग्राफी होता है, 2 मिनट में पता चल जाता है कि पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, उसका सोनोग्राफी करवा के उसको उसी वक्त अबोर्ट करवा दिया जाता है, अबोर्शन होता है। और वो बच्चे जो है, अगर वो जो अगर लड़की होती है तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है। तो भ्रूण हत्या भी जानना जरूरी है। तो भ्रूण हत्या का तात्पर्य क्या होता है कि गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं उनके लिंग का पता लगा करके लगाना, और फिर मादा भ्रूण अगर होती है तो उसकी जो है हत्या करवा देना, यही है आपका भ्रूण हत्या। ये सिंपल भाषा में हर एक चीज को लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसको अगर हम लोग इस भाषा में लिखेंगे, आसान भाषा में लिखेंगे, तो ज्यादा नंबर आएगा। आते हैं हम लोग इसके मिडिल वाले पॉइंट में। तो आज समाज में बहुत कुत्सित विचार वाले लोग होते हैं, बहुत तुच्छ विचार वाले लोग होते हैं, जो जिनकी मानसिकता इतनी गंदी होती है कि वो लिंगा जो वो जो है वो कन्या भ्रूण हत्या को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके कारण आज प्रेजेंट में हो क्या रहा है कि 1,000 पुरुष जो है उस पर केवल 919 लड़कियां ही रह गई हुई है, 919 जो है वो यहाँ पे स्त्रियों की संख्या है। ठीक है, इसको स्त्री मेंशन कर लीजिएगा। तो दरअसल समाज में जो है स्त्रियों को बोझ के तौर पे आज भी देखा जाता है। मैं शहर की बात नहीं करता हूँ, शहर में भी कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं, लेकिन गांव की अगर हम लोग बात करें तो 75% लोगों का मानसिकता ऐसा है कि औरतें जो है वो बोझ है, लड़कियां जो है वो बोझ है। तो इस कारण से अगर हम लोग देखें तो प्राचीन काल में जिस वक्त राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करवाया था, विलियम बेंटिंक को साथ दिया था इसने, उस वक्त सती प्रथा और पर्दा प्रथा एक ऐसी प्रचलन थी जिसमें औरतों को बोझ के तौर पे देखा जाता था, या फिर पति के मरने के साथ ही औरतों को मार दिया जाता था या वो सती हो जाती थी। लेकिन इसके बाद अगर उस व्यवस्था से थोड़ा सा आगे हम लोग आए, क्योंकि वो अंग्रेज का समय था, वो 1947 का समय था, वो 1942 का समय था, अभी जो है हम लोग 21st सेंचुरी में है। ठीक है, 21st सेंचुरी में है, और यहाँ पे हम लोग 5G इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और इसके साथ ही 5G इंटरनेट यूज होने के बाद भी आज हमारे यहाँ बलात्कार होते हैं, आज हमारे यहाँ औरतों को मार दिया जाता है, आज हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होता है। क्यों होता है, कौन, क्या रीजन है इसका? तो समाज में वैसे कुत्सित विचार वाले लोग हैं जो आज भी जो दहेज प्रथा जैसे चीजों के कारण औरतों को मारते हैं, या फिर उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो भ्रूण हत्या ही करवा देते हैं। तो इस ये ऐसे समाज में लोग हैं जिसके कारण अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो औरतें हैं या फिर औरतें हैं या फिर लड़कियां जो है वो समाज के लिए बोझ है। ठीक है, वो आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचाती है। तो इस कारण से जो है वो होता क्या है, इन सारे चीजों में हो क्या रहा है, तो बच्चे को जो है पेट में ही उसको, गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। लेकिन जो ऐसे कुत्सित समाज वाले लोग होते हैं उनके कारण हत्याएं और प्रताड़ना की घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो इस तरीके का मानसिकता रखते हैं। अब इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, तो गर्भावस्था में बच्चे को मार देते हैं, क्योंकि उसके साथ बलात्कार नहीं हो, उसकी हत्याएं नहीं हो, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाए, हमारे पास बेटे रहेंगे तो इस तरीके के समय हमें नहीं देखने पड़ेंगे। तो इस कारण से लोग गर्भ में ही मार देता है, लिंग परीक्षण करवाता है और उसकी भ्रूण हत्या करवा देता है। और दूसरा जो एक मेन कारण ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो समाज है वो पूरी तरीके से पुरुष प्रधान है, तो पुरुष प्रधान होने के कारण औरतों को कम तवज्जो दिया जाता है आज भी गांव में कुछ जगहों पे। अब ये मानसिकता धीरे धीरे कम होते जा रही है, खत्म होते जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं वो फाइटर प्लेन भी चलाती है। तो ये जो मानसिकता है वो खत्म तो हो रहा है, लेकिन गांव में जागरूकता नहीं होने के कारण आज भी इस तरीके के
चीज आपको देखने को मिलेंगे। आज भी वहां पे पर्दा में ही औरतों को रखा जाता है, या फिर कुछ पार्टिकुलर कास्ट जो है जिसमें मुस्लिम आते हैं वहां पे आज भी औरतों के साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देता है सारे लोगों के लिए, फिर भी इस तरीके का कंडीशन है। अगर आए हम लोग फिर से इसके ऊपर, तो अगर 21st सेंचुरी में हम देश के विकास की बात करते हैं तो बिना महिलाओं के प्रगति के इसका विकास संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक जगह पे पुरुष को इक्वल करके अगर एक परिवार में चार औरतें हैं और चार पुरुष है तो एक औरत जो है वो पूरे घर को चला सकती है, तीन औरतें देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है, अपने फैमिली को चलाने के लिए काम कर सकती है, ये चार लोगों के ऊपर फिर से अपने खर्च के लिए बोझ नहीं बनना चाहेगी। तो इस तरीके के सोच जरूरी है, बिना इसके कभी भी देश का प्रगति जो है वो टॉप लेवल पे नहीं हो सकता है, हम लोग विकासशील से विकसित नहीं हो सकते हैं। इस सारे चीज को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। अब इसका एग्जैक्ट इसका जो होगा उद्देश्य क्या होगा, इसका क्या पर्पस है जिसके कारण इसको स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहला जो इसका पर्पस था वो लिंगानुपात को कम करना ही था। ठीक है, जो लिंगानुपात जो कम हो रहा है उसको बढ़ाना था। तो लिंगानुपात कम हो रहा है, जैसे 1000 पे 919 लड़कियां बची हुई है 1009 पुरुष पे, तो इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा, ये 1000 के इक्वल में ला दिया जाएगा इसको। इस कारण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमोट किया जा रहा है, इसमें सेल्फी विद डॉटर्स जैसे कुछ योजनाएं को, कुछ कंपटीशन को लागू किया गया है इसमें, साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षा तथा मानसिकता को बदलने का इसमें मेन टारगेट रखा गया हुआ है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो इस संतुलन को बना के रख सकता है और मानसिकता को भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया है और इसको इतना मतलब बेनिफिटेबल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो ऐसे मानसिकता रखते हैं कि बेटी हमारे लिए बोझ है। तो इसमें तीन मंत्रालय को इंक्लूड कर दिया गया। पहला जो मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है और तीसरा मानव संसाधन मंत्रालय है। इसमें बहुत सारे चीज को इंक्लूड किया गया है, लड़कियों को स्वस्थ रखने के लिए, उनको हर एक तरीके के स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, उनको संसाधन जुटाने के लिए या फिर उनके विकास के लिए, जिसमें मातृत्व वंदना योजना भी इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जोड़ा गया हुआ है, इसमें ये सारे इंक्लूड हो चुके हैं। इतना ज्यादा इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग केवल 300 वर्ड में इसको मेंशन इस एसे को लिख रहे हैं और इसमें मेन पॉइंट ही लिखेंगे। लेकिन एक सुकन्या योजना जो है वो इससे डायरेक्ट जो है वो मर्ज होता है, डायरेक्ट सुकन्या योजना इसको प्रमोट करता है, क्योंकि सुकन्या योजना में क्या होगा कि पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एक छोटा सा अमाउंट जमा करना होता है, उसके बाद उसके शादी के उम्र तक जो है वो अच्छे जो है उसके पढ़ाई के लिए पैसे और साथ में शादी के लिए भी पैसे उनको उनको आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सुकन्या योजना को इससे मर्ज कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे तो आज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई साहब हमारे पास, हमने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चालू कर दिया, हमने सुकन्या योजना चालू कर दिया, हमने निर्भया फंड लाया, हमने सारा कुछ लाया, लेकिन एट प्रेजेंट में हो क्या रहा है? एट प्रेजेंट में हथरस जैसे कांड होते हैं, एट प्रेजेंट में आपका जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रेप किया जाता है एक बच्ची का, दिल्ली में रेप किया जाता है, मुजफ्फरपुर जैसे कांड होते हैं, ये सब क्यों होते हैं? तो इसके लिए सरकार को जो है वो कठिन कानून के साथ साथ त्वरित न्याय, जैसे पॉक्सो है और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यायालय त्वरित न्याय के साथ साथ जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल लाने की जरूरत है। इसके बिना इन सारे चीजों को जो है वो पॉसिबल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसको हम तभी सफल कर सकते हैं जब इन सारे मुद्दों को ग्रास रूट लेवल एरिया पे वर्क करना स्टार्ट करवाएं हम लोग, और इसमें सबसे पहली बात जो है वो सुरक्षा को ही लाए, क्योंकि अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर घर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो इन सारी योजनाओं का फिर से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनका फ्लॉप नहीं हो ये सारी योजनाएं, इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल लाना पड़ेगा कि समाज में इस तरीके का काम नहीं हो। कुछ समय पहले रोमियो स्क्वाड तैयार किया गया हुआ था यूपी में,
अब वो धीरे धीरे काम करना बंद किया, उसका कोई आपके पास आज के समय में न्यूज नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि वो उस तरीके का था ही नहीं कि उसको कंटिन्यू किया जा सके। हार्ड एंड फास्ट रूल लाने की जरूरत है जिसमें बेटियों को और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। ये कंक्लूजन था इसका, जिसमें हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और कन्या भ्रूण हत्या को, यहाँ पे जो टॉपिक था ये VVI टॉपिक है, इसको हम लोगों ने कवर किया है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब एंड शेयर से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरते ही लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। टोटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें एक भी रुपये आपको देने की जरूरत नहीं है। और साथ में PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम स्टडी स्प्रिंग चैनल से, क्विज आपको मिलता है और ई पेपर आपको यहाँ पे 3 दिया जाता है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण होता है। तीनों का फायदा उठाइए, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अपने तरफ से आपको हर एक फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाता हूँ। ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।